आया है बिकॉज ऑफ दैट लैम्प. ये ना, ये एक लैम्प से 1500 रुपए का एक्स्ट्रा बिल नहीं आएगा कि आपको बिजली का बिल दो बार भरना पड़े. डकार गए आप पैसे, 1500 रुपए इस महीने आप डकार गए. एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? यू पुटिंग अ ब्लेम ऑन मी. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. लाओ रसीद, लाओ बिजली का बिल भरा है ना, रसीद लाओ. मुझे नहीं मालूम कहाँ. नहीं मालूम का क्या मतलब है, लाओ दिखाओ, दो रसीदें दिखाओ. नहीं पता मुझे कहाँ है, वेयर इट, आई डोंट नो वेयर इट इज. तुम ना पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो. कुत्ते का रोना बहुत ही मनहूस माना जाता है. वाकई बड़ी मनहूस आवाज है इस कुत्ते की, ऐसा लग रहा है जैसे इसका मखद को बवासीर हो गया हो. हाय दिया. चलो पगली फिर बवासीर रोमांस करें. कुत्ता के दर्द को महसूस करके आपको काम मिल जाएगा. ऐसा है लौंडो कि दर्द महसूस करके क्या मिलता है, जिस दिन तुम लोगों ने ये समझ लिया ना, उस दिन तुम लोग नॉर्मल नहीं रहोगे, पागल हो जाओगे हैं? क्योंकि दर्द में जो मजा है उसको सिर्फ एक पागल ही महसूस कर सकता है. अगर तुम लोग महसूस करना चाहते हो तो काटूं क्या? आई लाइक इट. चीखे कह रही वो तुम्हारे एक हैं डेविड चाचा जी. इतने सालों से उन्होंने तुम्हें 20 करोड़ का एक झुनझुना दिखा रखा है, और इतने सालों में 20 रुपए तक नहीं दिए उन्होंने, और ये अब आ गए हैं दूसरे तुम्हारे मौसा जी, पता नहीं किस रेशमा को लेकर आ रहे हैं, वो भी 50 करोड़ के हाथी पर. Excuse me, जमींदार हैं वो, बहुत पैसे वाले हैं, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है. What are you talking? हाँ तो मैं भी कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ जो तुम्हें 50 करोड़ के लिए किसी रेशमा के हवाले कर दूँ. पता नहीं कौन है जिसको जवानी छाई हुई है. ना बहुत नेगेटिव, तुम्हारी सोच ही नेगेटिव है. Don't understand. बेटा विभूति, हम तुम्हारे मौसा राम गुलाम. ओ मौसा जी, पायल आ गो मौसा जी. कुछ पूरा बेटा. जी जी प्रणाम मौसा जी. जी तेरा. प्लीज बैठिए मौसा जी, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन. तो रहे 50 करोड़. हाँ इसका मतलब तुम लालच में आ गए हो ना. यार लालच में नहीं आया, मतलब तुमने कहा कि भूखी मर जाएगी, तो मैंने कहा उस बात का जवाब दिया है मैंने कि अंकल दे रहे 50 करोड़. अंकल अगर 100 करोड़ भी देंगे ना तो भी मुझे रेशमा मंजूर नहीं है. देखिए भाभी जी, आप रेशमा को बिना देखे उसके बारे में कुछ मत कहिए. वो क्या है ना कि हमारे अंकल जी उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड है. रेशमा इज गॉर्जियस. वकील साहब, हम रेशमा को कुछ भला बुरा नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें रेशमा की जरूरत नहीं है. अंकल जी, एक्सक्यूज मी, कम इन. अरे अरे क्या है, वो हालात कुछ और थे. वाह, तो भी हालात बड़े साजगार हैं, बड़े अच्छे हालात हैं. ऑफ कोर्स, हम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे हैं ना. हाथ नहीं फैला रहे, लेकिन जिंदगी का मजा भी तो नहीं ले रहे हैं. अरे कैसे मजा लेना है, और हाथी की सवारी करनी है क्या? हाथी की नहीं, कम से कम कार की सवारी तो करनी है ना यार. दैट्स सिंपल, नौकरी कर लो. मैं प्रॉमिस करती हूँ 6 महीने में तुम्हें गाड़ी खरीद के दूंगी. गाड़ी तुम अपने लिए खरीदोगी? अरे घर में गाड़ी आएगी तो दोनों के लिए होगी ना. जी नहीं, आप मुझे इस्तेमाल करेंगी एज अ ड्राइवर. हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें अगर गाड़ी चलानी आती है तो मैं खर्चा करके बाहर का ड्राइवर क्यों बुलाऊंगी? मुझे ड्राइवर की नौकरी मंजूर नहीं है, I'm sorry. मत बोल. हाय दिया.
कहा है ना कि आजकल तो लड्डू की भैया ना हमको रात को सोने भी नहीं देते हैं। काहे सोने नहीं देता है? का मतलब है? अम्मा जी वो हमसे बहुत ही प्यार करने लगे हैं। ये का मतलब? पंडित रामफल का गणित एकदम सटीक बैठा है। कौन सा गणित सटीक बैठ गया पंडित रामफल का? देख बैल, हमारी बात जो है ध्यान से सुन, और अगर ये बात को तू मजाक में लेने का कोशिश किया ना तो हम तोहरे गुर्दे में डंडा। तलाक, और उसके बाद तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो। अरे नहीं 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 बेटे, हाँ, तलाक वाला की जरूरत नहीं है, बिल्कुल झगड़ो मत, बिल्कुल नहीं। देखिए मौसा जी, ये आपके खानदान में चलता होगा लेकिन मेरे घर में एक मियान में एक ही तलवार रह सकती है, बस। फिर भी एक बार रेशमा को देख तो लो बेटा। रेशमा इस गॉर्जियस। चलो देखो कौन है ये हूर की परी रेशमा। गॉर्जियस रेशमा, चलो 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 देखो गॉर्जियस रेशमा। चलिए चलिए देखिए। नहीं, यू आर सेइंग यस यस गॉर्जियस होंगे। रेशमा, रेशमा इस गॉर्जियस। I'm sure Reshma is gorgeous. Yeah, she is. Yeah. She is. Yeah. She is. Yeah. Beta, I would like to take a coffee. Yes, yes. Uncle, please come. Yeah, please come. Baby, I'm coming. Cool down. Relax. Love you, baby. कहाँ रह गया ये कमबख्त? डॉक्टर साहब, आप तो वादा कर रहे आगे से ऐसो बिल्कुल भी नहीं होएगा। हाँ, इस बार ना। अरे इस बार कुछ नहीं भाई, अब कुछ नहीं हो सकता है। और मैं एक बात बताऊं कि इस बार जो है ना, तुम लोग अपने ये चेहरे है ना, इन पे सोने की परत भी जड़वा लो, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे माफ करो, मुझे क्लिनिक भी जाना है, शादी करा दो, कभी नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। डॉक्टर साहब बात तो सुन लो, हमारी शादी तो करा जाओ। डॉक्टर, अंकल, डॉक्टर, यारो अब नहीं सुनेगो ये, अब नहीं सुनेगो। बरसों से हम उनके उपाय झेलते आ रहे हैं। ये मत भूलिए कि जो आज तक हम खुशहाल जीवन बिता रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से घुइया खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, बल्कि उनके उपाय से हम मुसीबत में फंसे हैं हमेशा। ये बात एक तो बार अम्मा जी के सामने बोलिए ना। यार तुम हमेशा अम्मा को बीच में काय घुसेड़ देती हो। अम्मा बीच में ही हैं और हमेशा बीच में ही रहेंगी। हाँ, और हम आपको बोल देते एक तो बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपके बगल में कौन और दुल्हन को देखे ना तो हम जहर खा के मर जाएंगे। हाँ। और भैसिया के साथ हमारी शादी होगी तो खुश होगी? ऐसे ही पकड़े हैं। धीकलट तो डेढ़ बोतल तो है ही, बन रो गणित का विशेषज्ञ। और ठेके पे जो आधी डकार के थे उसका क्या होगा? यार तुम लोग भी सुन, जो भी हो गई हो, लेकिन हम तीनों को ना तीता दारू नहीं पीनी चाहिए यार। टीका यार, तुमने एकदम सही बात कह दी भैया, ज्यादा पीने से ना लीवर खराब है जाता है यार। टीका सुना मलखान ने क्या कहा? भाई वाह, क्या बात है मलखान, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दे दी। क्या पढ़ दूंगा खेच के, हम जाहिल बैठे हैं। आप क्या बेटा, साफ सों गया तुम तीनों को है? आओ सेठ जी, 10 लाख मिलेंगे। वाह 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 वाह, ठीक है दिलवा दूंगा 10 लाख। अब लेकिन भैया, अब वो सब तो ठीक है, लेकिन अब भैंस से शादी करेगा कौन? वो तुम नहीं, वो भैंस डिसाइड करेगी। स्वयंवर होगा तुम तीनों का, whoever wins and she will take the call. Okay? तो जो सुरों की नदी बहती थी, आज वो नदी कुछ सूखी सूखी सी है। आप क्या बोले? भाभी जी, आप कुछ अपसेट सी दिखाई दे रही हैं। हाँ,
प्रभुति जी वो कहा है ना कि हम बहुत तानसेन में हैं। भाभी जी बताइए मुझे, शेयर इट विद मी, मैं आपको हल निकालूंगा उसका कोई। वो कहा है ना कि हाँ दिया, अगर हम भरभूति जी को ये बता दिए कि हम लड्डू के भैया का शादी एक ठो भैंसिया से करा रहे हैं, वो तो बहुत ही मजाक उड़ाएंगे। भाभी जी आप कुछ बोलने वाली थी? नहीं कुछ नहीं। Oops, wardrobe malfunction. Anyway, boys, तुम लोगों ने बहुत ही घटिया और वाहियात तरीके से रैंप वॉक पेश किया है। Anyway, चाल से किसी के कैरेक्टर का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, है ना? गलियों में नार हाँ भाई खचेड़ू, देख लो बेटा, अगर रेशमा की शादी नहीं हुई ना तो 50 करोड़ से तुम दोनों महरूम हो जाओगे, समझे? यार विभु क्या है ये, तुम कोई ढंग के गुड लुकिंग एजुकेटेड लड़के नहीं ला सकते हो क्या? किन्हीं वन फ्रीकिंग रीजन कि कोई गुड लुकिंग लड़का एक भैंस से शादी क्यों करेगा? दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता, कैसे भी लाओ, मुझे किसी भी हाल में 50 करोड़ रुपए चाहिए। भैया लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा ऑफिशियली रिश्ता लेके, फिर रेशमा डिसाइड करेगी कि वो इन्हें पसंद करती है या नहीं करती। आफ्टर ऑल जिंदगी तो उसकी है ना, निभाना तो उसको ही है ना। नहीं मतलब अब हमारे इतने गए गुजरे दिन आ गए कि हमें एक भैंसिया की कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। अनाई हमरे हीरो, हम भी तो पसंद किए थे ना, भैंसिया भी कर लेगी आपको। तिवारी जी वो कोई आलतू फालतू भैंस नहीं है, बड़ी स्पेशल भैंस है और वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देगी, वॉट एवर यू नीड। आएंगे और कोनो और की पत्नी को भगा कर ले जा रहे कब? काश भाभी जी को भगा के ले जाते। आप क्या बोले? हमने कहा हमें बड़ा अजीब सा फील हो रहा है पगली। अपना मोबाइल दीजिए। मोबाइल का है चाहिए यार इस समय। हेलो हेलो अम्मा जी। अरे अम्मा जी को काहे फोन कर रही हो, चल तो रहे हैं भैंसिया को देखने। हम तो मजाक कर रहे थे, काल लगाए नहीं थे। ई पहनिएगा और एक तो अच्छा सा ऐसा काला टीका भी लगा देंगे आपको। अरे यार बुलाओ ना मुझे, और भी काम है। अब तुम दोनों के नाम से वो 50 करोड़ की वसीयत भी तो बनवानी है ना, है? आवाज दोनों तिवारी। हेलो भरभूति जी, हेलो अनीता जी, नमस्ते मासा जी। जी दिया हो बेटा। आइए 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 तिवारी जी, आइए अंगूर जी, बैठे ना, बैठे। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ भाई तो बातचीत शुरू करें? ऑफ कोर्स प्लीज गो ऑन। हाँ देखो बेटा, बुरा मत मानना पर लड़के वाले की हैसियत से ना मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा। कीजिए। हाँ या, या, या। हमको एक बात बताओ, तुम झगड़ा वगड़ा तो ना ही करती हो? ठीक बा, और तुम सबके साथ मिलजुल कर रहती हो ना? ठीक बा, और हमको एक बात और बताओ कि हमरे और लड्डू के भैया को लेकर कोनो शक वक तो ना ही करोगी? ये तो हाँ बोल रही है। बेटा तो शादी के बाद ये इसकी बीबी हो जाएगी ना, है तो शक तो बनता है। लेकिन मौसा जी हम इनकी पहली पत्नी हैं। लड़की को अकेला छोड़ दो, एक दूसरे को जान लेंगे। हाँ चलो चलो बेबू चलो, अंकुर जी चलिए। नहीं नहीं मैं अपनी बहन को एक अजनबी के साथ ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता ना। अरे रे 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 रे,
बकवास मत, मुत्ता पर मुंह तोड़ दूंगा आपका। चलिए आइए। आई लाइक इट। ऑल द बेस्ट तिवारी जी। अनीता जी, वो तो बहुत ही प्यार से देख रही है लड़की के भैया को। ये वैसी बैंड बजी पड़ी है, ये ऊपर से और बैंड बजाने आ गई। भोली है। अरे वो तो जानवर है, आप उससे इनसिक्योर फील कर रही हैं। हाँ तो क्या हुआ, अब भैंसिया है तो उम्मीद क्या हुआ, है तो स्त्री जात ही ना। अंगूरी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए ना, ऐसा खुशी का माहौल ना दोबारा फिर नहीं आएगा, कम से कम हमारे लिए तो नहीं आएगा। देखिए ना, आप ना इस शादी में प्लीज कोई नानुकुर मत कीजिएगा। नहीं, हम नानुकुर कैसे कर सकते हैं अनीता जी, इस शादी से तो हमारा ही भला होने वाला है ना। आपकी कितनी भलाई है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमारा बहुत भला हो जाएगा। देखो, अब तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे विषय में सोचना बंद कर दो, क्योंकि हम ऑलरेडी शादीशुदा है, हमारी एक सीधी सादी बीवी है जिसको धोखा देने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और देखो रेशमा, हम तुम्हें भी एक नेक सलाह दे रहे हैं कि तुम कोई अच्छा सा भैंसा देखकर उससे निकाह कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथ जीवन गुजारना हमारी भैसियत मतलब हैसियत नहीं है, बस। एक्चुअली क्या है कि आपकी गोरी बच्ची आपसे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन फिर सर मारी है। हाँ बेटा, तो बोलो ना, क्या कहना चाहते हो बताओ। नहीं मौसी जी, ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी, बस ऐसी थोड़ा। आप चेक कब ट्रांसफर कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन बेटा, तुम लोगों से ज्यादा जल्दी मुझे है, बस इसी के इंतजाम में लगा हूँ। और भाई 50 करोड़ की बात है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, तो कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। हाँ भाई, 2-3 दिन तो यूं गुजर जाएंगे बेबी, बशर्ते कोई नई मुसीबत ना आ जाए बस। कोई नई मुसीबत नहीं आएगी। अरे हाँ, अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया, जरा मैं अपने वकील से बात कर लेता बेटा, है ना। एक्सक्यूज मी, लगता है पगला गए। पागल तो हमेशा से ही थे। आप हंस क्यों रहे लेकिन इतना? अबे जब ये चेक देखोगे ना, तो तुम लोगों ने जो मेरे साथ हरकत की है उसे सोच के तुम बहुत शर्मिंदा हो जाओगे। अच्छा क्या है ये? ये 1 करोड़ का चेक है। वो क्या है ना कि मैंने सोचा एक साथ तो 20 करोड़ निकालना मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि एक एक करके 1-1 करोड़ निकालता हूं। शादी अटेंड करके ही जाऊंगा। चल बना एक पैक बना। अच्छा कैसे लेंगे आप? आइस दूं या प्लेन? नहीं बर्फ नहीं, गला बैठा हुआ है यार, कैसी बातें कर रहा हूं। ये लीजिए पकौड़े खाइए। अच्छा ठीक है। वाह पकौड़े तो बहुत तूने बनाए। हाँ मैंने बनाए। वाह क्या बात है। अच्छा रेशमा की शादी है कब? करूँ बताओ? बता बता भाई, शादी में तो ये भी खूब चलेगी है। तो शादी में जल्दी है भैया। अरे चलेगी क्या, उड़ेगी। उड़ेगी 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 उड़ेगी। आप तो घूंघट में घी पी रही हैं। ऐसी बात नहीं है, हम तो खाली चख रहे थे। अरे चख के क्यों देख रही हैं? पूरा का पूरा गटक जाइए, भाई बेटे की शादी है। अच्छा, और ये बात का आपने फायदा उठाया तो? अरे कैसी बातें कर रही हैं? देखिए भाई, रिश्ते में हम आपके समधी हैं, है? तो समधन के ऊपर तो हमारा पूरा अधिकार है। तनिक दूर से हाँ समधी जी, वरना ऐसा करंट मारेंगे कि सीधे लंदन में जाके गिरिएगा। तिवारी भैया ऑलरेडी शादीशुदा हैं, फिर भी एक भैंस के साथ शादी कर रहे हैं, ये बात मतलब हजम नहीं हो रही मुझे। आप हमने काम से काम रखी है ना। कसम खा के कह रही हूँ, बहुत बड़ा झोल है डॉक्टर साहब, तुम ना समझ पाओगे। हाँ यार, इस बात में तो कोई शक नहीं, झोल तो है भैया। मुंह के हिसाब से ना
तिवारी भैया ने बहुत मोटी रकम ली होगी विभूति भैया से। अबे ओ, ये विभूतिया क्या तेरे को पैसा देने वाली पार्टी लगता है? उल्टा कच्चा बनियानी दे रहा होगा। ना 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 प्रेम भाई, इस बार सब उल्टा हो रही है। इस बार तो विभूति सेठ हमारे तिवारी सेठ को पैसे देंगे, वो भी करोड़ों में। अम्मा जी बहुत बहुत अच्छे। अम्मा जी टू गुड। बड़ी लोच है अम्मा जी आपकी कमर में, बाय गॉड। कसम से। मैं जोर से बजा लो यार। दिल है तेरा काला और लहू भी काला जा साला। काला, I like it. बाबुल की I like it. Baby Reshma, love you. मन की शांति के लिए। अरे पंडित रामफल का फोन। हमरे बिना एक पल नहीं रह सकते हैं ही बिना। का बोले? कुछ नहीं। हेलो, आप बोलिए डार्ल। हाँ हाँ, आप कहिए, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मतलब कि सारा दोस्त दूर हो गया, अब शादी करने का कोई जरूरत नहीं है।